हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स दिस इज विशाल तिवारी एंड वेलकम टू द अमेजिंग क्लास जिसमें पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल ठीक है और कलम पढ़ेंगे दोस्त फिर मतलब दो नेक्स्ट चैप्टर्स अपने होंगे गैसेस स्टेट सॉलिड स्टेट ठीक है ना गैसेस स्टेट सॉलिड स्टेट आज शाम में देखो चार चैप्टर के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा चार चैप्टर के साथ दीपक वर्सेस सर पढ़ाते इस चैप्टर को चार चैप्टर बेटा कौन कौन से वो चार चैप्टर है तो बेटा आज शाम में वो लग गया होगा आपने देख लिया होगा तो ये अनाउंसमेंट भी एक तरह से कि शाम में थर्मोडाइनमिक सर करा देंगे सर आपको सॉल्यूशन करा देंगे सर आपको काइनेटिक्स करा देंगे और सर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा देंगे ये चार सर आपको करा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगले चार दिन में ये चार आपके खत्म हो जाएंगे सॉलिड स्टेट गैसे स्टेट मैं आपको करा दूंगा नहीं दिख रहा आपको अब दिखेगा आपको ठीक है ना अब दिखेगा तो दोस्त ये चार आपको सर करा देंगे ठीक है ना तो दीपक वशिष्ठ सर ये आपको करा देंगे आप लोग, सब लोग कर लीजिएगा लगा हुआ है ठीक है ना इस चैनल पे ये चार चैप्टर दीपक सर कराते हैं चलिए नेक्स्ट ऑन सो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास टेबल में क्या है रेडी हाँ पीवाई क्यूज टू बिल्कुल आपको मिलेगा पीवाई क्यूज डोंट वरी आइए मेरे दोस्त यहां पे जो सबसे पहला टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल उसे सवाल ही नहीं आता हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल से सवाल नहीं आते तो वो ही पढ़ेंगे जहां से सवाल आते हैं ठीक है ना अब पढ़ते हैं कि भाई सवाल कहां से आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन हंड्रेड

102 करना हुआ आपको 102 का नेमिंग करना है तो 1 के जगह जो इसका नोमेनक्लेचर है वो लिख दिया पहला कैपिटल लेटर लिखते हैं बस ये ध्यान रखिए फिर जीरो के लिए बेटा निल लिखेंगे फिर उसके लिए 2 के लिए बाई लिखेंगे और फिर लास्ट में एम जोड़ देते हैं ध्यान रखिए 2 आई कैन नॉट बी मतलब दो आई एक साथ नहीं आने चाहिए 2 आई जब आ रहे होंगे एक एक हटा दीजिएगा तो अननिल बाईम अगर मैं आपको बोलूं बेटा तो इट इज वेरी सिंपल अन फिर अगेन आपके पास नील और फिर फिर अगेन आपके पास सॉरी अन, अन अगेन और फिर लास्ट में अपने पास एम जोड़ दीजिए कोई भी नोम कर सकते हैं आप 100 112 कर लीजिए 112 के लिए आपके पास आएगा अन फिर आएगा अन फिर आएगा बेटा दो आई एक साथ नहीं आ सकते ठीक है ना 108 कर लीजिए आप एक साथ 108 कर लीजिए तो बेटा ये क्या हो जाएगा अन फिर हो जाएगा नील फिर हो जाएगा ऑप्टियम 107 सौ सात अनिल सेप्टियम ठीक है ना 109 कितना हो जाएगा बेटा 109 कितना हो जाएगा अन फिर नील फिर ई डबल एन होता है नाइन के लिए ई डबल एन होता है और लास्ट में आप ई एम जोड़ दीजिए फिर तो बड़े आसान होते हैं ठीक है ना ओके okay. तो ये तो बड़े आसान होते हैं लेकिन पिछली बार टू थाउजेंड ट्वेंटी में सरप्राइजिंगली सवाल क्या आया वो देखिएगा सवाल आया कि इनके कॉमन नेमिंग कैसे लिखोगे वॉट इज द कॉमन नेमिंग ऑफ तो ये बेटा रट्टा आपसे पूछ लिया था अब इस रट्टे को याद रखिए कैसे रखना है जो आपने देखा होगा मेन 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 विल बी तो जब होते हैं अपने विटीचर जैसे आप लोग जैसे गधेड़े डे नहीं विटीचर जैसे मेन जो होते हैं वो बहुत नोबेल होते हैं बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं नोबेल इंसान होते हैं बहुत लॉ को मतलब कानून को मानते हैं लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं ठीक है ना अब ये जो men will be men वो नोवेल होते हैं और दोस्त वो law abiding होते हैं ठीक है ना रदरफोर्ड डूब गया सी के अंदर ओके रदरफोर्ड डूब गया सी के अंदर और जैसे ही रदरफोर्ड पानी में गिरा डूब गया तो बेटा हंस रहा था कौन बोर रदरफोर्ड और बोर ये दोनों हंस मतलब रदरफोर्ड डूब गया तो बोर हंस रहा रदरफोर्ड के ऊपर के देखो 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 डूब गया लेकिन हंस के हंसने के बाद उसके पास जाता मैं हूं ना मैं हूं ना बोलता कि मैं हूं ना ड्रामा क्यों कर रहे हो रदर को बोलता कि ड्रामा क्यों कर रहे हो रोना धोना बंद करो रोना धोना बंद करो और बेटा ये आ जाओ कॉपर लो ख़त्म लास्ट ड्रामा क्यों कर रहे हो रोना धोना बंद करो पहले तो क्या हुआ मैन नोबल होते हैं लोअिंग पर्सन होते हैं जो रदर है दोस्त वो डब वो क्या होते हैं रदर जो होता है डूब गया कहां पे सी में तो रहा था, कौन? वो। और फिर सर हैं मैं हूं ना ड्रामा मत करो और रोना धोना बंद करो खत्म और लास्ट अब आइए कैसे याद रखेंगे कि सर मेन विल बी मेन मेडिलीवियम नोबेलियम देन वी हैव लॉरेंसियम देन वी हैव रदर देन वी हैव डबनियम देन वी है बोरियम मेटनियम डार्क स्टेडियम रॉन्टेंजियम एंड देन रोटेनियम बोलते हैं उसको रॉन्टेंजियम लिखते हैं उसको। तो बेटा रोटेनियम एंड देन लास्ट में आपके पास कॉपर निशियम ठीक है आपसे पूछा गया था ये वाला कि 104 को हम क्या बोल देते हैं ठीक एक सिर्फ केमिस्ट्री के टॉप पचास कॉन्सेप्ट आपकी डिमांड्स कमी नहीं होती हम क्या करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स के अंदर तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन क्या होता है आइए ब्लॉक वालों gas, gas, का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन इनर्ट गैस एनएस वन इनर्ट गैस एनएस टू पी ब्लॉक है इस बार एनपी खाली हैोजन फैमिली एनपी फोर ऑक्सीजन फैमिली एनपी फाइव फैमिली एनपी सिक्स इन गैस फैमिली चलो डी ब्लॉक वाले क्या होते हैं कि सर डी ब्लॉक में एन माइनस वन में इलेक्ट्रॉन जाता है तो डी ब्लॉक में आउटर इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूं मैं एन माइनस वन में इलेक्ट्रॉन जाएगा एन माइनस वन डी वन से टेन और एनएस जीरो से टू कई बार एनएस में जी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जैसे कि एग्जाम्पल में पैलेडियम पैलेडियम में एन एस जीरो होता है नेक्स्ट ब्लॉक के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो यहां पे N -2 F में इलेक्ट्रॉन जाता है एन माइनस वन डी जीरो सेवन और फिर so यू इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अब आ जाते हैं आपके सामने कि मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड की बात की जाती है मेटल कौन होता है सर मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज खत्म मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज जितना बड़ा साइज उतना ही न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ेंगी और उतना ही वो डोनेट कर पाएगा न्यूक्लियस के पास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो जितना बड़ा साइज न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ेंगी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो देयरफॉर और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही मेटल की टेंडेंसी होती है आइए दोस्तों यहां बात करते हैं मेटल की साइज सबसे बड़ा काम होता है साइज अच्छा सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं देखते हैं कि क्या यह सही है टॉप टू बॉटम कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस नेक्स्ट यह कह रहा है कि जो मेटल होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में होता है क्यों क्योंकि लेफ्ट से राइट right में साइज कम हो रहा है लेफ्ट से राइट right में साइज कम हो रहा है तो बेटा लेफ्ट वाला सबसे बड़ा होगा तो देअर फोर मेरे दोस्त इट इज फाउंड इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज यू नो साइज इन लेफ्ट इनक्रीजेस लेफ्ट साइड में साइज बड़ा होता है चलो नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा स्टेटमेंट मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे आपको मेटल को आपने कभी हवा उड़ते देखा है जैसे आयरन मेटल उड़ रहा होगा ऐसे वेपर बन गया ऐसा नहीं होता तो मेटल्स आर सॉलिड्स लेकिन एक एक्सेप्शन है मरकरी मरकरी मेटल होता है बट इट इज लिक्विड मरकरी इज अ मेटल बट इट इज इन लिक्विड फॉर्म एक एक्सेप्शन है जनरली ये बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली ये बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लेकिन अगेन यहां पे दो एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है इनफैक्ट नॉन मेटल के टाइप होता है लेकिन है मेटल नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये दे आर है कि मेटल गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन अगर है तो बेटा वहां पे कंडक्टर तो होगा ना इलेक्ट्रॉन अगर है तो बेटा वहां पर कंडक्टर तो होगा ना मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलिए ओके okay. नेक्स्ट आ गए हैं दोस्त यहां पे आपके सामने नॉन मेटल अब नॉन मेटल की बात कर लेते हैं आइए बेटा exactly करना है। अगर मेटल तो ज्यादा है, है तो छोटा साइज है नॉन मेटल ज्यादा है आइए बेटा छोटा साइज है नॉन मेटल ज्यादा है।, है, है सो लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा और साइज छोटा होगा तो बेटा आपका नॉन मेटल बढ़ेगा साइज Left से राइट में साइज इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस बिकॉज लेफ्ट से राइट में साइज डिक्रीज होता है ओके okay. right नेक्स्ट क्योंकि बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा तो साइज कम टॉप पे होगा टॉप तो पे मिलेगा उसके बाद जनरली क्या होते हैं ये मेटल्स तो सॉलिड में मिलता है नॉन मेटल्स जो है सॉरी मेटल सॉलिड में मिलता है नॉन मेटल सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में मिलेगा सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में मिलता है लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है लेकिन अगर मैं बोरोन और कार्बन की बात करूं तो नहीं होता है कार्बन में आप याद करो डायमंड है आपके पास दोस्त कार्बन इज वॉट ग्रेफाइट एंड डायमंड वेरी हाई आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आएगी आइकोसा हाइड्रन स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन बोरोन इज नॉन मेटल बट आइकोसा हाइड्रन होने की वजह से क्या हो जाता है बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट अर कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स में पुअर कंडक्टर तो कुछ तो हो गए मेटल, कुछ तो हो हो गए नॉन मेटल, और कुछ हो जाते हैं हैं, बीच बीच के। ये बीच वाले को बोलते हैं, बेटा इनको हम बोलते हैं इनको। जो मेटल जैसे अपने पास हो गए सिलिकन जर्मेनियम अर्सेनिकलियम पोलोनियम और एस्टाटाइन ये सारी क्या है सेमी मेटल्स बोलते हैं इनको मेटलवाइट बोलते हैं ये दोनों ही मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे अब इसको याद करने का तरीका कि वीटी सर का ट्यूशन जो है ना मतलब कोचिंग सेंटर बहुत सही चलता है आपको पता ही सबसे ज्यादा कोई नहीं है टक्कर में वीटी सर क्या था वो डायलॉग पता नहीं मत पढ़ो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में अच्छा ये भी डायलॉग अच्छा है चलो बेटा डरते हैं क्या इधर आओ मेरे दोस्त यहाँ पे सीता फिर बेटा गीता ऐश्वर्या ओके तो बेटी सर का कोचिंग सेंटर चलता जो है जिसमें बहुत सारी बालिकाएं पढ़ने आती है उसमें से सीता गीता और ऐश्वर्या है सब 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 सारे के सारे सब ट्यूशन 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 पढ़ने आते तो दे आर सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर बस ये वाले हैं जो कि मेटलॉइड्स हैं सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते दे ऑल आर व्हाट दे ऑल आर मेटलॉइड्स मुझे लगता है यहां तक क्लियर है दे ऑल आर मेटलॉइड्स मुझे लगता है यहां तक क्लियर है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अब आते हैं आपके पास जो मेजर सवाल जहां से आता है वो ये है आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्साइड्स ठीक है रेडियो जेड इफेक्टिव पढ़ने के लिए सब लोग रेडियो हाउ जोश एक बार दोस्तों लाइट के बता दो हाउ जोश एकदम का डरते हैं क्या ये सात आ जाए चौदह आ जाए पंद्रह डरते हैं क्या केमिस्ट्री से कोई डरते हैं क्या अपन एकदम फोड़ देंगे नीट में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मतलब एटीट्यूड चेंज यहां है थोड़ा गौर फरमाना बस मुझे, मुझे एक देना, मैं आपको पूरा जेड इफेक्टिव पढ़ा दूंगा इफेक्टिव कुछ भी नहीं है इफेक्टिव आपके साथ भी हुआ पड़ा है मैं बताता हूं अभी आप ही की कहानी है कुछ नहीं लैला मजनू की कहानी सुने हो अरे आपकी कहानी लैला मजनू से कम थोड़ी है होता क्या है मैं आपको बता देता हूं देखेगा इनर न्यूक्लियस इनर न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन अच्छा वाला और वाली की बात हो रही है इंटरेस्टिंग है अब अब पढ़ेंगे अपन इनर वाल इनर न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स अच्छा इनर न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का नेट फोर्स इनके बीच का नेट फोर्स दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव इससे आसान तो क्या ही बताऊं अब बताओ क्या बेटा आप भी घर के अंदर रहते हो ऑब्वियसली रोड पे थोड़ी ना रहते होंगे घर के अंदर रहते होंगे और आपको भी कोई बाहर ट्यूशन में कोई बाहर कोचिंग में कोई बाहर स्कूल में कोई ना कोई पसंद है भाई ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज पसंद है भाई पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ये नियम है बेटा आपकी गलती नहीं उम्र की गलती है तो आप भी अंदर वाले हो आपको भी कोई बाहर वाली पसंद है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बिकॉज यू बोथ आर अपोजिट चार्जेस ओके परफेक्ट सो क्या होगा भाई आप अट्रैक्ट करोगे पास आने की कोशिश करोगे या फिर इसको इनवाइट करो घर पे न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इनवर्ड्स न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा अच्छा अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन क्योंकि दो धनावेश धनावेश चार्जस तो अट्रेक्ट बनेंगे लेकिन घर वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे क्या घर वाले द इनर इलेक्ट्रॉन्स भाई इनर सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये घर वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे क्या नहीं सर ये घर वाले क्या करेंगे मेरे दोस्तों ये घर ये दोनों आपस में भाई, भाई साहब रिपल्शन कर रहे हैं दीस बोथ आर डूइंग रिपल्शन आप जरूर अट्रैक्शन लगा रहे हो बाहर वाली पे बट तो घर के जो पहले से सदस्य हैं इनर इलेक्ट्रॉन जो पहले से हैं दे दे विल फील बिकॉज बोथ आर सेम चार्जेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो भाई आपका जो प्यार मोहब्बत है वो तो बुलाना चाह रहा है बुलाने का मगर बुलाती है मगर जाने का नहीं और क्योंकि घर वाले बैठे होंगे और वो धक्का मारेंगे बाहर निकल बाहर निकल ये भी बहुत धक्का मारेंगे बाहर निकल, बाहर निकल और भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी धक्का मारेंगे बाहर निकल समझ गए ना ओके सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई न्यूक्लियस पहला फोर्स लग रहा है जो न्यूक्लियस लगा रहा है क्लियर और दूसरा एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है ये फोर्स ऑफ सॉरी फोर्स ऑफ न्यूक्लियस नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे पहला लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई न्यूक्लियस और दूसरा लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन बाई इनर इलेक्ट्रॉन मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बाई इनर इलेक्ट्रॉन इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया नेट फोर्स बिकॉज कुछ न कुछ माइनस हो रहा है कुछ न कुछ फाइनल फोर्स बच रहा है नेट फोर्स और इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा इट इफेक्टिव इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई जेड इफेक्टिव समझ गए न्यूक्लियस वॉन्ट दिस इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट बट घर वाले नहीं चाहते अंदर वाला बाहर वाली को अट्रैक्ट कर रहा है बट घर वाले नहीं चाहते अब जैसे ही घर वालों को यह बात पता लगी कि भाई ये इसका तो कहीं और कुछ और चल रहा है तो घर वालों ने क्या किया कि ये जो एक दीवार बना देते हैं आपको यहां पे शायद दीवार नहीं दिख रहा होगा दीवार अब दिखेगा ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या हो गया चलो ठीक है घरवाले क्या करेंगे मेरे दोस्त नहीं चलेगा कोई बात नहीं आओ तो घर वाले क्या करेंगे एक दीवार बना देंगे अंदर वाले और बाहर वाली के बीच में एक मजबूत दीवार बना देंगे मतलब एक शील्ड बना देंगे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे ताकि आप और वो मिल ना पाए लैला मजरू बिछड़ जाए और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है इसी को कहते हैं हम शील्ड बना रहे हैं दे आर कॉल्ड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिंग एज शील्ड एंड दीज आर नोन एज शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल इफेक्ट जो ये शील्ड बनाने की इफेक्ट है इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट सवाल कैसे आएगा मेन मुद्दा है सर समझ तो आ गया सवाल कैसे आएगा आइए बेटा सवाल के ऊपर ठीक है ना आइए सवाल के ऊपर चलते हैं नेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब बहुत, बहुत 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 अच्छे से समझ आ रहा होगा ये जो हमारा बेचारा है न्यूक्लियस है ये बाहर वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा बट ये घर वाले धक्का मार रहे होंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा रहा है तो सर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये हमारा न्यूक्लियस लगा रहा है ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये हमारा न्यूक्लियस लगा रहा है और ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये कौन लगा रहा है तो सर ये इनर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स ओके परफेक्ट नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आइए नेक्स्ट आइए इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज शील्ड का काम करते हैं मैंने बताया ना कि जैसे ही घर वालों को आपके और इसके बीच का कुछ पता लगा दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट इन ए शील्ड ये आपके चारों तरफ़ एक घेरा लगा देंगे कि बेटा नजर रखना फोन से बात ना कर ले व्हाट्सएप ना कर ले इंस्टा ना कर ले फोन हटा लो सब कुछ हटा लो एक शील्ड बना देते हैं चारों तरफ बिटवीन अंदर वाला न्यूक्लियस एंड बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और इसी इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसी इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कहता है बस मुझे वो समझाना है आपको आइए कह रहे के हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है, एक एक है. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत सारे इसके अंदर मतलब घर वाले धक्का मारते हैं ना कम अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जितना होना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज सर कुछ फोर्स माइनस हो गया ना देर इज द रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कम फोर्स वहां पे क्या किया है रिपल्सन हो रहा है वहां पे कम फोर्स क्योंकि रिपल्सन हो रहा है इनर शेल और वैलेंस के बीच में अंदर वाले घर वाले और बाहर वाले के बीच में लड़ाई हो गई एंड दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट दोनों बात एक ही है अब आते हैं बेटा कि आपके पास जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट में ट्रेंड क्या कहता है

लेफ्ट से राइट right जाओगे तो साइज कम हो जाएगा क्या जैसे जैसे लेफ्ट से राइट right जाओगे साइज कम हो जाएगा क्या बिल्कुल और अगर साइज कम हो जाएगा तो बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन अच्छे से होगा जैसे जैसे लेफ्ट से राइट right जाओगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएगी और नजदीकियां बढ़ेंगी यही तो अट्रैक्शन है है और नेट अट्रैक्शन ही तो है। तो इफेक्टिव लेफ्ट से राइट right जाओगे नजदीकियां बढ़ेंगी इफेक्टिव बढ़ेगा लेफ्ट से राइट right जाओगे नजदीकियां बढ़ेंगी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट से राइट जाओगे नजदीकियां बढ़ेंगी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाओगे नजदीकियां बढ़ेंगी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ठीक है ना चलिए और टॉप से बॉटम में कई जगह उसको डिक्रीज लिखा हुआ है कई जगह उसको कांस्टेंट भी लिखा हुआ है ऑलमोस्ट कांस्टेंट या फिर डिक्रीज लिखा हुआ है एनसीआरटी में कुछ भी नहीं लिखा है आप भी भूल जाइए नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस की चर्चा कर लेते हैं आइए अब देख कह रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर नजदीकियां बढ़ रही है अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब पास पास आएंगे ना लेफ्ट से राइट जाने पे नजदीकियां बढ़ रही है अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब पास पास आएंगे ना तो इसका मतलब पास पास आएगा तो मतलब साइज कम होगा ना तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है भाई क्यों क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो पास बुलाएगा चल और ग्रुप में बेटा साइज बढ़ता है बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड टॉप से बॉटम में जैसे जैसे नीचे जाओगे टॉप से बॉटम में नया शेल्स बढ़ता चला so, चलिए अब जाते हैं आपके सामने एटॉमिक रेडियस चार तरीके के होते हैं पहला तीन तरीका हम यहां पढ़ रहे हैं। पहला होता है दोस्त आपके पास मेटालिक रेडियस मेटल का कैसे बना होता है? दो एटम एकदम एक दूसरे एक एक को छू के निकल रहे होते हैं दो एटम बस एक दूसरे को छू के निकल रहे होते चलो एक एक जब अब छू अब अब के निकलने की बात हुई है तो एक शेर याद आ गया वो शेर ऐसा कहता है कि एक मान लीजिए एक, एक महिला जा रही थी तो बहुत ही अच्छी अच्छा है बहुत ही रेस्पेक्टिव शेर है तो मान लीजिए कोई एक महिला जा रही थी एक लैला जा रही थी और बेचारा मजनू तो जब वो जा रही थी तो बेटा उनका जो दुपट्टा है वो ऐसे घसीट रहा था नीचे जमीन से मतलब कई बार होता ना कि बहुत घसीटते हुए जा रहा था तो वो वो जो सलफे आसिक था बेचा, बेचारा वो बोलता है वो जो सलफरा आसिक है वो बोलता है कि ए आ, मतलब कि जो भी बोलता होगा कि ए, सुनो लाइक आपका मतलब वो शेर है मैं आपको हिंदी में कविता की तरह बता देता हूं ठीक है ना मुझे शेर नहीं आती है तो कहता है कि भाई और मर्म बड़ा अच्छा है कि देख के चलो आपका दुपट्टा नीचे से हिस रहा है आपका दुपट्टा जमीन को लग रहा है देख के चलो वो तो जो सर फिर तो जो 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 लड़की जा रही होती है उसका रिप्लाई सुनो उसका रिप्लाई ये है कि ए दीवाने ऐ दीवाने मैं नहीं चाहती कि मेरी कदमों के निशान कोई और दीवाना आके चूम ले ओ भाई इसलिए जानबूझ के मेरे जो कदम चले जा रहे हैं उस कदम को भी मैं मिटाते चल रही हूं अपने दुपट्टों से अल्टीमेट अल्टीमेट एटीट्यूड वाला शेर है भाई साहब एटीट्यूड वाला शेर है ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो कदमों के निशान हैं वो कोई और आके चूम ले इसलिए मैं खुद ही उसको दुपट्टे से मिटाते चल रही हूं attitude. भाई साहब भाई साहब चलो खैर कई लोगों को बेटा तीन चार दिन में समझ आता है ये जो वी विल वेट फॉर दैट डोंट वरी यहां ये दोस्त एटोमिक रेडियस में क्या होता है कि दो जो आपके पास क्या होते हैं मेटल लैटिस बनता है उसमें जो मेटल के एटम्स होते हैं तो कैसे होगा वो एक दूसरे से चिपका होगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस सॉरी इन दोनों के बीच सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी तो रेडियस क्या होगा डी बाई टू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी तो रेडियस क्या हो जाएगा डी बाई टू कोवलेंट रेडियस कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है सो द टू एटम्स विल ओवरलैप तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ओवरलैप करने के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दो तो कोवलेंट रेडियस मिल जाता है मेटालिक में ओवरलैप नहीं करता है सेंटर के बीच का रेडियस सेंटर के बीच का डिस्टेंस बाय 2 ओवरलैप करता है सेंटर के बीच के डिस्टेंस बाय 2 वंडर वाल रेडियस क्या होता है दो अलग अलग मोलिक्यूल्स होंगे वंडर वाल रेडियस में दो अलग अलग मोलिक्यूल्स होंगे और उन मोलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बाई टू आगे दिखाता हूं मैं जैसे ये देखिए आपके सामने दो अलग अलग मोलिक्यूल होगा ए और बी से बना हुआ मोलिक्यूल ए और बी से बना हुआ मोलिक्यूल ए और बी से बना हुआ मोलिक्यूल ए और ए के बीच का डिस्टेंस ए और ए के बीच के डिस्टेंस बाय टू कर दोगे रेडियस ऑफ ए निकल जाएगा बी और बी के बीच का डिस्टेंस बाय टू कर दोगे तो आपके सामने रेडियस ऑफ बी निकल आएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा डिस्टेंस बाई टू करना होता है आपके सामने मेटालिक कोवलेंट और वंटरवाल आ जाता है इससे बस एक क्वेश्चन आता है और वो ये क्वेश्चन है कि आपके पास रेडियस का ऑर्डर क्या होगा तो आपको ऐसे याद रखना है विद्यामंदिर क्लासेस वाल सबसे बड़ा होता है मेटालिक फिर दूसरे नंबर पर होता है और कोवलेंट फिर तीसरे नंबर पर होता है विद्यामंदिर क्लासेस से आप याद कर लोगे वीएमसी ठीक है बेटा चलिए रेडियस हो गया अब आते हैं बेटा आइनिक रेडियस के ऊपर क्या आते हैं अपन अपन रेडियस रेडियस के ऊपर लेट्स सी कि दो तरह के आइनिक रेडियस होते हैं पहला होता है बेटा आपके सामने रेडियस और दूसरा होता है आपके सामने केटाइनिक रेडियस और दूसरा होता है एनाइनिक रेडियस अब आइए केटाइनिक रेडियस क्या होता है तो समझिएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद केटाइन बना उसका रेडियस और एनाइन का बना एना रेडियस आइएगा टाइन का रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैगनीटाइन का रेडियसलीपोर्शनल टू रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड एनाइन का रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सिंपलिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैगनीट एनाइनिक रेडियस इज इन सॉरी इधर इनवर्सली उधर डायरेक्टली अब आइए टाइन जो होता है वो हमारे न्यूट्रल से छोटा होता है क्यों क्योंकि सर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है उसका भीटाइन देखिएगा सबसे बड़ा इसमें होता है एनायन फिर आता है दूसरे नंबर पर न्यूट्रल और तीसरे नंबर पर आता हैल के केटाइन ए एनसी से आपको याद रखना है ए एनसी ठीक है ना ये ऑर्डर होता है ए एनसी आइए अब जैसे आपके सामने ये रेडियस है क्या ये ऑर्डर सही है कैसा है बताइए तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से साइज आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड यहां यहां है है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका उल्टा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड और ये हो गया बेटा ए एन सी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बेटा पिछले 20 साल की बात करो ऑलमोस्ट तो दस साल केवल यही पूछा गया है मैं आपको दिखा सकता हूं तो उसको माइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एन माइनस थ्री दस इलेक्ट्रॉन देखो सात प्लस तीन दस आठ प्लस दो दस नौ प्लस एक दस इसका दस ग्यारह माइनस एक दस बारह माइनस दो दस तेरह माइनस तीन दस तो बेटा यहां पे क्या आ जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज दस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज चलिए नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा सर पंद्रह तीन अट्ठारह सोलह दो अठारह सत्रह एक अठारह अठारह उन्नीस में से एक गया अठारह बीस में से दो गया अठारह इक्कीस में से तीन गया अठारह अठारह इलेक्ट्रॉन हो गया क्या

अगर मैं ए नाइन की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज अगर मैंटाइन केटाइन के की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ठीक है ना और एनसी का ऑर्डर तो आपको पता है जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं तीन करिए तो अरेज इन द ऑर्डर ऑफ साइज देखिएगा सर यहां पे सारे आई सौ इलेक्ट्रॉनिक है सब में अठारह इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंपल कर दो एनाइए सबसे बड़ा फिर न्यूट्रल फिर एन आइन तो सबसे बड़ा ये देखिए और N9 में भी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका साइज ज्यादा फिर न्यूट्रल और मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका साइज कम इनवर्स रिलेशन यहां पे आइए सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मैग्नीट्यूड ज्यादा साइज ज्यादा यहां पे ये एन आइन न्यूट्रल और केटाइन है मैग्नीट्यूड ज्यादा साइज ज्यादा और आपके सामने ए एनसी आ जाएगा मैग्नीट्यूड ज्यादा आपके सामने साइज ज्यादा और एन सी सी में मैग्नीट्यूड ज्यादा साइज का नेक्स्ट अब आते हैं पीरियड के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं आपको एटॉमिक रेडियस लिखा दूंगा कहीं से भी सवाल आए पीरियोडिक टेबल के गलत नहीं होंगे आइए सबसे पहले पीरियड नंबर वन आपने क्या पढ़ा है सर सर तो आपने पढ़ा है लेफ्ट से राइट जाने पर साइज अपना हो जाता है कम तो देखिए पीरियड नंबर टू में बात करते हैं तो देखिए पीरियड लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो है। लेकिन यहां पे क्या हो गया सर? हाँ। में में रेडियस होता है और आप लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि सर वंडरवाल तो सबसे बड़ा होता है अरे नहीं वाल अपने इमीडिएट वालों से बड़ा होता है सबसे बड़ा नहीं होता यह फ्लोरिन से बड़ा हो जाएगा चलिए नेक्स्ट फिर लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट कम हो रहा है साइज कम हो रहा है, लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा है साइज और बेटा आपके सामने ये लग गया। अच्छा, की बात कर लेते हैं सॉरी तो है। है? मैग्नीज तक तो, तो जनरलोडियन से बेटा मैग्नीज तक, तक तो जनरल ऑर्डर फॉलो हो रहा है फिर आयरन कोबाल्ट निकल छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाइस आयरन कोबाल्ट निकल ये तो बराबर होते हैं और फिर इंक्रीज करना चालू कर देता है कॉपर और जिंक में ठीक है चलिए नेक्स्ट और पीरियड फाइव पीरियड सिक्स नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट अब आ जाते हैं आपके सामने नेक्स्ट में आपके सामने आ जाते हैं ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स के अंदर तो ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू कोई दिक्कत नहीं है सर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है जैसे जैसे नीचे जाओगे

सेकेंड पीरियड है यह सेकंड पीरियड है और ऊपर फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन होगा। फोर्थ पीरियड पीरियड जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तो फोर्थ पीरियड में बेटा आपके सामने डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है तो इसीलिए जो बोरोन फैमिली में गैलियम है गैलियम से पहले तो पूरे डी ब्लॉक वाले हैं और डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन लगता है डी डी कॉन्ट्रेक्शन लगता है वहां क्योंकि फोर्थ पीरियड में आपके पास डी ब्लॉक है और डीडी कॉन्ट्रेक्शन क्यों लगता है क्योंकि डी डी की की पुअर पुअर शील्डिंग शील्डिंग होती होती है क्योंकि D की poor shielding होती है क्योंकि इसलिए क्या करेगा पुअर शील्डिंग है तो वो जो दीवार बनाया था घर वालों ने घर वालों ने न्यूक्लियस और बाहरी के बीच में दीवार बनाया था वो दीवार कमजोर है तो क्या होगा सर न्यूक्लियस ये लोग खोपचे मिल लेंगे सो so, वो लोग क्या करेंगे बेटा अट्रैक्ट हो जाएंगे साइज वह कम हो जाएगा अगर वो दीवार मजबूत नहीं है तो लैला मजनू दीवार फांद जाएंगे दीवार से मिल लेंगे जाके और मिलेंगे तो एक साथ आ जाएंगे मतलब साइज कम हो जाएगा नेक्स्ट यहां पे सर पीरियड में क्या खासियत है सिक्स पीरियड में तो आपके सामने एफ ब्लॉक के लिमेंट आता है तो सिक्स पीरियड वाले से पहले एफ ब्लॉक तो लग रहा होगा एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन लग रहा होगा जिसको हम लेनाइट कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं एफ एफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा यहां पे पीरियड वाले में एफ ब्लॉक आ रहा है अगेन एफ ब्लॉक वाले का सर ये तो बहुत ही पुअर शील्डिंग करता है वो जो दीवार बन रही थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बहुत ही कमजोर बन जाती है तो न्यूक् फिर मिलेंगे फिर अट्रैक्शन होगा और बेटा यहां पे साइज और कम हो जाएगा सो तो दोस्त ये साइज इतना कम हुआ कि अल्मूनियम से भी कम हो जाता है एंड इंडियम एंड थैलियम आर ऑलमोस्ट सेम इंडियम और थैलियम का ऑलमोस्ट सेम साइज सेम होता बढ़ना चाहिए था बढ़ना चाहिए था बट पुअर शिलनी की वजह से कम हुआ और कम होकर ऊपर वाले के बराबर हो गया कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चलिए बेटा उसी तरह बेटा आपके सामने ग्रुप फोर्टीन करो कोई चेंज नहीं है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा ग्रुप फिफ्टीन करो कोई चेंज नहीं है ग्रुप सिक्सटीन करो कोई चेंज नहीं है ग्रुप सेवनटीन करो कोई चेंज नहीं है और ग्रुप एटीन करो कोई चेंज नहीं है बाकी सब में सेम ऑर्डर है

इस वजह से मेरे दोस्तों आपके पास फोर्थ सॉरी फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड और सिक्स फिफ्थ पीरियड और सिक्स वाले की साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है फिफ्थ और सिक्स वालों की साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है ठीक है अब आइए लेकिन आपके पास जो ग्रुप नंबर थ्री है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट एफ ब्लॉक जो है बेटा वो इसके बाद से लेंथनम के बाद से आता है सो so यहां पे जनरल जने, ऑर्डर फॉलो होगा ग्रुप थ्री में जनरल ऑर्डर फॉलो होगा लेकिन ग्रुप फोर्थ लेकर के ट्वेल्थ तक फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड बराबर होते हैं या फिर इसको बोल दो फोर और फाइव सीरीज बराबर होता है ठीक है ना ये होता है बिकॉज ऑफ द लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये होता है बिकॉज ऑफ द लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट फिफ्थ पीरियड एलिमेंट इज इक्वल टू सिक्स पीरियड एलिमेंट फिफ्थ पीरियड एलिमेंट इज इक्वल टू सिक्स पीरियड एलिमेंट ठीक है ना या फिर फिफ्थ पीरियड एलिमेंट का क्या हो जाएगा फोर डी इज इक्वल टू फाइव डी फोर डी सीरीज इज इक्वल टू फाइव डी सीरीज फोर डी सीरीज इज इक्वल टू फाइव डी सीरीज कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट आ जाइए आपके स्क्रीन पे कमाओ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज arrange in the order of size come on cn fs तो बेटा कार्बन है फिर नाइट्रोजन है फिर आगे फ्लोरीन है लेकिन सल्फर डाउन द ग्रुप होता है थर्ड पीरियड है तो मेरे दोस्त नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा सबसे ज्यादा सल्फर फिर पीरियड की बात करो तो लेफ्ट से राइट साइज कम होता जाता है लेफ्ट से राइट राइट साइज कम होता चला जाता है ये आपके पास आ गया ठीक है ना नेक्स्ट अब आते आयोनाइजेशन एनर्जी अब आते बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है समझेंगे एक अकेला गैसियस एटम लेना है आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है अकेला गैसियस एटम और साथ में उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जाना है एक अकेला गैसियस एटम लेना है और साथ में बेटा उसमें क्या लेना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जाना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम अब आइएगा यहां पे क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्या है मेरे दोस्त एक मेटल है जो आयोनाइजेशन एनर्जी लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज क्योंकि हम एनर्जी दे के निकाल रहे हैं अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है हम एनर्जी दे रहे हैं एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव है आते हैं है। हम कुछ एनर्जी डालते हैं इलेक्ट्रॉन निकल, है। निकल गया अब दोबारा एनर्जी डालते हैं तो आपके सामने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया जब एक बार दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं फिर से थोड़ी एनर्जी डालेंगे और आपके पास एम प्लस थ्री हो जाएगा आप देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर आयोन एनर्जी इसका मतलब आई थ्री मोर आई टू लेस एंड आई वन बी वेरी लेस जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है और ये ऑर्डर आ जाता है तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको समझ आया एक अकेला गैसियस एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगे अकेला के बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगे दैट इज कॉल्ड एज आपके सामने आयोनाइजेशन एनर्जी आई थ्री आई टू आई वन नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर से एनर्जी डिपेंड करता है सो फैक्टर्स एनर्शन एनर्जी देखिएगा एनर्जी इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यों सर जेड इफेक्टिव से बहुत इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव मतलब सर साइज कम हो रहा है जितना नजदीकियां रहेंगी एनर्जी उतना ही करवाना है, तो तो बहुत मुश्किल जैसे दोस्तों में क्या होता है हंसी मजाक चलते रहता चा, चा, ये देखे ये तेरी वाली ये देखे मेरी वाली ऐसा चलता है ना दोस्तों में तो मेरा दोस्त था वो मतलब दोस्त क्या रूममेट होता है कॉलेज में रूममेट था वो तो मैं उसको बताया करता था अबे तो बोलता था मतलब हम वो है जो खाली प्लॉट पर कब्जा नहीं करते हम वो है जो कब्जा करेंगे जो ऑलरेडी किसी का कब्जा हुआ हम राजा महराजा टाइप है खाली कुर्सी पर बैठना बड़ा आसान बात है दम तो उसमें है जो कुर्सी पे किसी को उठा के बैठे खाली कुर्सी कोई जाके बैठ जाएगा बट दम तो उसमें है जो कुर्सी पे किसी को उठा के बैठे तो वो यही बोला करता था यहाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं और रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ कब्जा करेंगे अपन चलो तो हंसी मजाक की बात थी वो तो, तो वही है बेटा कि दो लोग जितने नजदीकियां होंगे उनके बीच में वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा मतलब साइज जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा या फिर जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना जेड इफेक्टिव क्या है

चलो नेक्स्ट एसपीडीएफ आपके सामने दिख गया कि अगर आप एसपीडीएफ की बात करो तो एस में सबसे ज्यादा फिर पी में फिर डी में फिर एफ में बस ये होते फैक्टर्स एनर्जी ठीक है ना ट्रेंड कितना कैसा होता है एनर्जी का साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे होता है बेटा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज छोटा एनर्जी बड़ा आप देख सकते हैं यहां पे लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज कम होगा एनेशन एनर्जी ज्यादा होगा

क्रांति क्रांतिकारी अपने पास एक स्कूटी है ठीक है ना जिसमें आ, ब्रेक भी ऐसा लगता है ना तो आवाज करता है जैसे पता नहीं कोई उसके अंदर वो आ गया हो कोई 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 यू नो रोड साइड कोई एनिमल आ गया हो जैसे वो बहुत आवाज करता है, क्योंकि उसके रबड़ खराब हो रहे हैं तो वैसे ही आवाज वाली स्कूटी लेके मैं निकलता हूँ और मैं था और मेरे साथ एक हमारे साथ ऐसे है जो कि आई से हैं वो थे वहां पे तो हम दोनों जा रहे थे और जाके अभी बस स्कूटी लगा के बस ऑर्डर ही किया था पता नहीं कहां से भरक लगती है मुझे आई डोंट नो और मास्क यहां तक था यहां तक मास्क था उधर से दो लोग आए उधर से दो लोग आए ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को मारने आ रहे हो ऐसे देखते हैं ना हाँ ये ये आए हैं जूस पीने आए आये अच्छा ये मीठी से जूस पीने आए हो अरे भाई ठीक है एक बार देख लियो आगे बढ़ो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में आए वो जूस वाले पे फालतू को भीड़ लगा दिया और जूस भी नहीं पिया बेचारों का और मैंने बोला पी लो उनका भी नहीं पिया सोचो तो ऐसे लगता है कभी कभी डर लग जाता है कि मैंने कौन सा गलत काम किया इधर से भी लोग घूर रहे हैं इधर इधर से भी घूर घूर रहे हैं इधर। तो कल ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैं गया गया था और वहां पे बेटा लिया गया मुझे ठीक है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड सर सर एक फोटो ले लें सर ऐसे कर लें भाई साहब चलो नेक्स्ट ये ग्यारहवीं ग्यारहवीं वाले बच्चे होते हैं ना तो उनके पास काफी टाइम होता है यही करते हैं चलो आ जाओ फिल्ड एंडफिल्डेबल सो मोरिक्ड स्टेबल होते हैं के और में किसकी ज्यादा होगी तो सर हिलियम में क्या होता है? एक तो देख लो बेटा, ये है या दूसरा आप समझ सकते हो कि सर यह इन इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा नेक्स्ट

ये हाफ फिल्ड इसलिए स्टेबल है तो स्टेबल है एनर्जी निकालने एनर्ज, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा एनर्जी लगाना पड़ेगा सो तो ये अपने पड़ोसी से ज्यादा एनर्शियन एनर्जी शो करता है ये स्टेबल है है तो पड़ोसी से ज्यादा एनर्जी करता इसका कोई पड़ोसी है ही नहीं तो यह सबसे ज्यादा एनर्शी एनर्जी शो करता है ठीक है तो एनशियल एनर्जी का ट्रेंड देखिए

सॉरी और ये हो गया आपके सामने पी सिक्स पी सिक्स पी थ्री एस टू थ्री एस टू यहां पर आ जाएगा थ्री पी थ्री और यहां पर थ्री पी सिक्स भी नहीं करना है तो सोडियम उसके बाद आएगा एल्मोनियम फिर मैग्नीशियम सोडियम आएगा फिर एलमुनियम फिर मैग्नीशियम फिर देखना फॉस्फोरस जो है वो सल्फर के बाद रहेगा और आर्गन तो सबसे लास्ट में आएगा ही आयोनाइेशन एनर्जी लिखना बहुत सिंपल है चलिए अब एक दो ये तो पीरियड में हो गया अब ग्रुप में आते हैं ग्रुप में आते हैं आई एक्सेप्शन दो एक्सेप्शन होता है दो एक्सेप्शन होता है वही बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर तेरह और वही कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर चौदह आई यहां पे एक्सेप्शन कैसे है देखा था आपने साइज में भी एक्सेप्शन आया था तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां भी एक्सेप्शन आएगा आइए बंद करके ताला बंद करके ताला दिस इज टीएल ताला गया एल्यमिनियम इंडिया बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया इंडिया भ्रमण पे निकल गया भारत भ्रमण पे निकल गया ताला बंद करके बंद करके ताला गया एल्यूनियम इंडिया ये होता है आपके आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बहुत ही ऑर्डर है डायरेक्टली दिमाग में रखिए और कार्बन फैमिली में यहां पर आपके पास वही एफ 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 कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होता है वही लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होता है वाई बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन दैट इज लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन

ये तीन लिखा है मैंने तीन तो बाकी के तीन ग्रुप यहां पे लिख लीजिए ग्रुप फोर ग्रुप फाइव और ग्रुप सिक्स ग्रुप थ्री है बाकी के तीन यहां पे लिख दिया फोर फाइव सिक्स ठीक है फिर यहां पे आ जाएगा बेटा टेन ग्रुप फोर फाइव सिक्स और टेन ठीक है कैसे टेन आया वहां पे देखिएगा फोर फाइव सिक्स लिखिए तीन तीन ग्रुप यहां पे लिख दीजिए फिर देखिए सेवन एट और नाइन और यहां पर आ जाएगा टेन ठीक है और बचे हुए बेटा इलेवन और ट्वेल्व भी यहीं पे आता है आपने ऑर्डर समझा कि मैंने कैसे लिखा है सबसे पहले ग्रुप थ्री लिखा तो तीन ग्रुप आगे के लिख दिए, फिर 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और, और ग्रुप थ्री की बात करते हैं ग्रुप थ्री एक्सेप्शनल तो ग्रुप थ्री में क्या होगा so ये होता है आपके पास ऑर्डर किसका ग्रुप नंबर थ्री का ग्रुप नंबर फोर फाइव सिक्स और टेन वालों का क्या होता है तो सर जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए फाइव डी फोर डी थ्री डी ये आ जाता है इन वालों का फाइव डी फोर डी थ्री डी और जस्ट इसके बाद वालों का क्या होगा सर आपके सामने आएगा फाइव डी फिर आएगा थ्री डी और फिर आएगा, आएगा आपके सामने फोर डी फाइव डी फिर फोर डी फिर थ्री डी कोई दिक्कत नहीं है ये आपके सामने आ जाएंगे ये दोनों एकदम रिवर्स है ये उसका ऑर्डर है अब आप ग्रुप नंबर वाइज देखिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा जैसे आपके सामने आता है जैसे आपके सामने आता है निकाह पढ़ो पंडित बताइए इसका एनर्जी क्या होगा सबसे पहले डी ब्लॉक का है ग्रुप नंबर पता करिए ग्रुप नंबर पता करिए तो देखिएगा निकल फिर इसके बाद कॉपर और जिंक आ जाता है सो तो ग्रुप नंबर बारह ग्रुप नंबर ग्यारह ये ग्रुप नंबर दस है भाई दिस इज बताइए कौन सा ग्रुप है ये ग्रुप नंबर दस है है ना ग्रुप नंबर दस है कि नहीं है चलिए बेटा ये आपके सामने मेरे दोस्तों ग्रुप नंबर दस है अब ग्रुप नंबर दस क्या होता है 5D, 4D, 3D. 5D कौन होगा सर ये 3D होता ये 4D होता ये 5D होता है 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 दैट का सबसे ज्यादा फिर आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों फाइव डी फिर प्लेटिनम पैलेडियम और फिर निकल कोई दिक्कत नहीं है प्लेटिनम पैलेडियम और फिर निकल कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिल्कुल 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 नेक्स्ट

ये आप किसी के सिस्टर से किसी की ब्रदर से आप ये सब सवाल पूछ रहे हो आपके ब्रदर से आपके सिस्टर से कोई ऐसा पूछे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सो ऑब्वियसली ये भी किसी के ब्रदर सिस्टर है और किसी के नहीं मेरे भाई बहने ये सारे और ये मैं हक बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम तो मेरे इस भाइयों बहनों को थोड़ा सा खरोच भी आने दो इसलिए दफा हो जाओ वरना दफन कर दिए जाओगे कमेंट्स में अभी कर दिए गए हो आप दफन यहां आइए मेरे दोस्त ग्रुप नंबर टेन की बात कर ले नेक्स्ट कंपेयर आयनाइशन एनर्जी वन एंड टू ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अब आइनाइशन एनर्जी और एनर्जी टू कंपेयर करना है करना पहले सिखा रहा हूं देखिए मैं आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यहां बता रहा हूं आईनेशन एनर्जी वन की बात करें सबसे पहले आई वन की बात करें आई कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो बेटा कॉन्फिगुरेशन आपको लिख देता हूं फोर लिख दो क्या और ये -2 -2 -2 -2 लिख दूं क्या बिल्कुल आइए सर आयनाइजेशन एनर्जी वन के लिए सिंपल कंफिगरेशन लिखिए और चेक करिए कहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगा ओ ओ हाफिल एनर्जी लगेगा सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू तो ऑक्सीजन बोलो बेटा अब आते बेटा आई टू की बात कर लेते हैं चलिए राइट हैंड साइड में अपन आईई <laughs> टू की बात कर लेते हैं IE2 कैसे करेंगे दोस्त एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता आई बेटा। वन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है आई टू में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑक्सीजन की कंफिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो गई अच्छा नाइट्रोजन की कंफिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो गई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कंफिग्रेशन लिखे तो मेरे दोस्तों यहां पे हो जाएगा हाफ फिल्ड और इसकी आईई टू ज्यादा हो जाएगी दैट मीन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं है? बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन आई होप सो इट इज वेरी परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है हाँ आईई वन की बात करो तो नाइट्रोजन ज्यादा होता है आईई टू की बात करो ऑक्सीजन ज्यादा होता है आईई थ्री पूछे तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना थ्री पूछे तो दो इलेक्ट्रॉन कंपेयर वन एंड ऑफ क्रोमियम एंड क्रोमियम की बात कर लेते हैं बेटा क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, तो इटव थ्री डी फाइव फोर एस वन आउटर कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नीज की बात करता हूं तो थ्री डी फाइव फोर एस टू अगर मैं आई वन की बात करता हूं तो ऑब्वियस फुलफिल्ड है इससे ज्यादा ही स्टेबल है आईई टू आई ई वन की अगर बात करूं आई वन की अगर मैं बात करूं तो मैंगनीज की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रोमियम लेकिन अगर मैं आईई टू के लिए लिखूं तो आई टू के लिए क्रोमियम हो जाएगा बेटा थ्री डी फाइव आई टू के लिए मैंगनीज हो जाएगा मेरे दोस्त थ्रीटी फाइव फोर एस वन अब देखो अब कहोगे कि सर यह भी तो हाफ फील्ड है और यह भी हाफ फील्ड है आप बताइए अरे गधेड़ो यहां पर इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है न्यूक्लियस के पास जाके इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां पे तो फोर्थ सेल आउटर सेल से बाहर बाहर से इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन निकालने में पसीने छूट जाएंगे दैट मींस क्रोमियम 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 इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन मैग्नीज मैग्नीज एक एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इन थे क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी वही को इलेक्ट्रॉन गेन इन थे

पहले से हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है पहले से हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है न्यूट्रल एटम के पास न्यूक्लियस होता है तो अगर मान लो बेटा मैं बाहर बाहर वाली इलेक्ट्रॉन को ले आने गया न्यूक्लियस बड़ा बदमाश है हर इलेक्ट्रॉन पे इसकी नजर है बेटा हर इलेक्ट्रॉन पे इसकी नजर नजर है तो क्या करेगा ये अट्रैक्शन करवाएगा हर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो हर इलेक्ट्रॉन पर इसकी नजर है तो क्या बेटा यहां पर अट्रैक्शन होगा अच्छा क्योंकि यहां पे मेरे दोस्तों अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन से क्या होगा दोस्तों अट्रैक्शन से मेरे पास एनर्जी रिलीज हो जाएगी बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त अट्रैक्शन से मेरे दोस्तों एनर्जी रिलीज हो जाएगी डेल्टा एच नेगेटिव पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक होता है ध्यान दीजिए जब भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी अच्छा एक बात बताओ जब इंसान पहला शादी करता है तो जबरदस्त आपके पास क्या होता बाहरी ये क्या है? बाहरी मेहमान जा रहे है घर के बाहरी मेहमान ये तो उतावला बैठा भाई अपने जैसा ही कोई इंसान है मेरे जैसा नहीं आपकी जिक बात कर रहा हूं बैठा है तो भाई साहब इसको तो घर वाले बस पूछ रहे हैं एक बार हाँ बेटा शादी कर रही है बस ठीक है दिना तो 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 तैयारी बैठे थे बेटा यहाँ पे हमेशा पैसे खर्च होंगे शादी में ना पैसे खर्च होते हैं तो पैसे यहां भी खर्च होंगे अच्छा तो ये तो पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी एक्सोथर्मिक रिलीज होती है अब बार बार का गेम है क्या दूसरी शादी करके दिखाओ पड़ेंगे तो मेरे दोस्त यहां भी क्या होगा दूसरी शादी में एनर्जी आपको बहुत लगाना पड़ेगा समझ रहे हो दूसरी शादी में रिपल्सन होगा लड़ाई होगी इट्स नॉट दैट इजी हां तो बेटा आपके पास क्या होगा अगर मैं सक्सेसिव एशन की बात करूं तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है दिस इज द फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहां पे एनर्जी खर्च हुआ है ठीक है अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात रखते हैं बाद में रखते हैं आइए दूसरा जब इलेक्ट्रॉन डाला तो भाई साहब यहां रिपल्सन चालू हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ही ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो चुका था और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला है तो सर ये नेगेटिव और नेगेटिव का जबरदस्त रिपल्शन है और रिपल्सन होने की वजह से एंडोथर्मिक हो गया रिपल्शन का मतलब सर एंडोथर्मिक हो गया कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में समझ आ रहा है फर्स्ट वन वॉज अट्रैक्शन बिकॉज वी हैव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव इनर्जी रिलीज बट यहां पे सर पहले से ही बेचारा साजिश हो है

डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन इन थे और इलेक्ट्रॉन गेन इन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का magnitude सेम होता है साइन डिफरेंट होता है इलेक्ट्रॉन गेन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्निट्यूड सेम होता है साइन डिफरेंट होता है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है ना नेक्स्ट ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है ना नेक्स्ट आगे आ जाइए आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा जब आप दोनों को ऐड करो तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये ए माइनस से ए माइनस कटेगा ए में दो इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे ए माइनस टू बन जाएगा ए में दो इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे ए माइनस टू बन जाएगा डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ध्यान रखिए इस बात को एग्जाम में पूछा गया है फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यह मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया ना एक ही बार में दो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया ना

मोहब्बत ज़्यादा है ब्रेकअप कराना मुश्किल है इनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा साइज के उल्टा, साइज छोटा होगा, कम है क्या हाफ फिल्ड स्टेबल होता है ना तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड कराना मुश्किल होगा इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते ही नहीं है इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते ही नहीं है सो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी भी कम हो गई सो हाफ फिल्ड वालों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई so, so, मतलब, मतलब, मतलब तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार सो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा क्यों क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उसको सो so, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इन जाएगा मतलब ठीक है लेस हो जाएगा चलो नेक्स्ट पीरियड में कैसे वेरी करता है सर जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा कैसे कैसे सर इलेक्ट्रॉन को लेना ही तो है और न्यूक्लियस के पास रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा लगा के ले लेगा सो जेड इफेक्टिव ज्यादा न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों साइज के अपोजिट चला जाएगा साइज के अपोजिट चला जाएगा साइज ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम

जो फुलफिल्ड है मेरे दोस्त ये फुलफिल्ड की कम हो जाएगी और कम हो जाएगी हाँ ये है, फिर आपके सामने आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल नहीं आया आप देख लेना पीरियोडिक टेबल खोल के आपके सामने हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन इन्थेलपी पता क्यों और कोचिंग्स में और सब जगह आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाई जाती है इनफैक्ट रेफरेंस बुक्स में भी है

पुल्फिल और ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए इनकी एफिनिटी और कम हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम हो गई बात बाकी लेफ्ट से राइट जाने पर अपना एफिनिटी बढ़ रहा है लेकिन एक और ऑर्डर और आपको मिला होगा एक और और कि सर, लिथियम के होना चाहिए ठीक तो है।, है, है अब ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेनपी ज्यादा होगी ना इसको ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेते ही टू एस टू फुलफिल्ड हो जाता है इसलिए एफिनिटी बढ़ गई भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां भी डालना एक इलेक्ट्रॉन यहां 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 यहां। so जल्दी से मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं स्टेबल बन जाऊ देर फिर इसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉन की नींदी ज्यादा हो जाती है 3. आपके सामने आ जाएंगे बेटा मैग्नीशियम फिर आ जाएगा आपके सामने बेटा फास्फोरस एंड देन वी हैव आपके सामने आर्गन मैग्नीशियम फॉस्फोरस और आर्गन आई मैग्नीशियम फॉस्फोरस और आर्गन की बात कर लेते हैं समझिएगा बात को कि मैग्नीशियम आपके पास क्या है 2s2 सॉरी 3s2 ये क्या है आपके सामने 3p3 और ये क्या है आपके सामने 3p6 कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़िए अब जब मैं यहां पे आऊंगा मैग्नीशियम है फॉस्फोरस है और आर्गन है

तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम करता है यहां पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम करता है ठीक है ना यहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा क्योंकि जगह कम है एक और ऊपर से बाहर का जैसे मान लीजिए मैंने इसको एग्जांपल बड़ा अच्छा देता हूं आप अपनी अपनी जो मम्मी होती है मां ठीक है ना मदर मैं तो अपनी मम्मी को मां बुलाता हूं आप लोग क्या बुलाते हो तो मां इज अ फीलिंग जो कि अंदर से आता है ठीक है ना तो दोस्त उसमें क्या होता है कि मम्मी को जब बोलो ना जैसे पापा आएंगे और बताएंगे कि यार आ, सर आ, है ना वो आ रही है या फिर चाचा जी के घर से कोई आ रहा है तो मम्मी का जो ऐसे फेस होगा क्यों आ रहा है कितने कब जाना है क्या लेकिन अगर आप मम्मी को बोलो कि मामा जी आ रहे हैं नाना जी आ रहे हैं नानी, है। नानी जी आ रही हैं ओहो वो जब फेस का स्माइल और एनर्जी और जो इंथिसम चेंज होता है राइट अब मम्मी का रिएक्शन देखिए कि जब पापा के रिलेशन से कोई आ रहा था

सेकेंड पीरियड वालों में जगह कम है दोस्त सेकेंड पीरियड वालों में रिपल्सन होगा क्यों क्योंकि साइज बेटा छोटा है बट यहां पे थर्ड पीरियड वालों में साइज ज्यादा है so यहां पे कम होगा। और कम होगा, तो यही चीज वहां पे वो कह रहा है कि थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होती है देन सेकेंड पीरियड वाले ड्यू टू मोर साइज एंड लेस रिपल्सन थर्ड पीरियड वालों की मोर साइज है लेस रिपल्सन है

फिर नीचे जाने पे होता है. Then नीचे जाने जाने पे पे होता होता है है so तो so 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 लेकिन जो ग्रुप 13 और 16 है उसमें सेकंड पीरियड वाला जो बोरोन है और ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी सबसे कम होती है अभी क्यों कैसे कहां कब ये सब क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं है ठीक है तो दोस्त तो तो आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा इसका ऑर्डर डायरेक्टली आता वाली कम हो जाती है और बात बाकी ज्यादा होगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथेपी का लास्ट होता है बेटा ग्रुप सोलह और सत्रह सोलह और सत्रह में हमेशा ग्रुप सत्रह की एफिनिटी ज्यादा होगी ऑलवेज ग्रुप सत्रह की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप सोलह ये लोग नहीं बताते हैं छोड़ देते हैं NCRT भी स्किप किया हुआ है बट सवाल आए हैं ग्रुप सत्रह की एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है एस कंपेयर टू ग्रुप सोलह हर एक एलिमेंट ऑफ ग्रुप सत्रह इज मोर एफिनिटी मोर एफिनिटी मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिट, गेन देन ग्रुप सोलह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन इन है बस साइन का ही तो डिफरेंट है चलिए जैसे आपके सामने आया है ये सवाल फ्लोरिन क्लोरीन ऑक्सीजन और देखिए आपके सामने फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर है ये ग्रुप सत्रह का एलिमेंट है ये ग्रुप सोलह का एलिमेंट है ग्रुप सत्रह वाले हमेशा ज्यादा शो करेंगे आइए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन और सल्फर से हमेशा फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा शो करेंगे एफिनिटी इसका मतलब है कि सर क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी देन फ्लोरीन उसी तरह सल्फर की सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड दिस इज हियर वी गो एंड दिस इज हियर वी गो ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरिन क्लोरिन ठीक है

इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है तो देखिएगा अभी तक हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे अब हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अब हम शादीशुदा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अब हम इलेक्ट्रॉन की की बात बात करेंगे करेंगे अब हम कपल वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखिएगा नेगेटिविटी जो ऑलरेडी शेयर्ड एयर है जो ऑलरेडी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज अट्रैक्टेड बाय एन एटम नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी

चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं चलिए नेक्स्ट अब ये जो है आपके नहीं आते हैं बट एनसीआरटी में है थोड़ा सा सॉरी ये आपके नहीं आते एनसीआरटी में मेंशन नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको पॉलिंग स्केल मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग बिल्कुल नहीं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक टेबल है जो कि आपको याद रखना होता है फ्लोरिन इज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन थर्ड नंबर पर थ्री अच्छा ऑक्सीजन निकालने के लिए बेटा 3.5, 0.5 कम करते जाओ 0.5 कम करते जाओ और यहां पे .4 कम कर देना हाइड्रोजन के केस में, ठीक है उसके बाद देखो एन you know, नकल, और नकल का सेम होता है फिर होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सेम होगा इसका भी टू होगा ठीक है ना फिर कसाई होता है सी एस आई सी एस आई मतलब इसका भी और इसका भी टू पॉइंट होते हैं और ब्रोमीन का बेटा 2.8 हो जाता है बस ये ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ सर हिमाचल प्रदेश सेम था अच्छा एक बार और रुके रुके रुके, रुके, रुके एक बार और देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.5 कम किया 0.5 कम किया 0.5 कम किया यहां पे 0.4 कम कर दिया फिर देखिएगा हिमाचल प्रदेश का बराबर होता है फिर देखिएगा नकल करने वालों का बराबर होता है फिर देखिएगा कसाई का बराबर होता है और जो है ना ये टू पॉइंट फाइव और ये थ्री इसमें पॉइंट फाइव में पॉइंट थ्री एड कर दीजिए ये टू पॉइंट एट हो जाता है नेक्स्ट एसिडिक और बेसिक नेचर एसिडिक और बेसिक नेचर कम ऑन एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे होता है तो लेफ्ट टू राइट जाओगे लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है क्यों क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है लेफ्ट से राइट right जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ते हैं और टॉप से बॉटम जाओगे तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बाद ऑक्साइड दुनिया जहान में जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये वाले छोड़ के सारे एम्फो सारे अपने अलग हो गए मतलब एम्फोटेरिक बता देता हूं मैं कौन कौन से होंगे सुनिएगा एम्फोटेरिक के लिए क्या करना है सुनो एस का ओ भी और एस एन ओ टू भी रेड लेड मतलब रेड सुनो रेड जीन्स जेड में क्या है सर आपके सामने जीन्स और ए आई क्या है सर आपके सामने आलिया सुनो रेड जीन्स आलिया सारे के सारे बेईमान हैं आलिया से बहुत अच्छी आपकी दोस्ती हो गई है आलिया के साथ आप कहीं गए हैं कहीं प्रॉपर डिनर विनर कर रहे हैं तो दोस्त वहां पे आप बातें कर रहे हो कि सुनो रेड जीन्स आले रेड मतलब लेड मतलब वो रेड कलर की जीन्स पहन के आई हैं ठीक है, है? <coughs> सुनो रेड जीन्स आलिया सब बेईमानी कर रहे हैं तो ये देख लीजिए ये सारे एम्फोटेरिक हैं अब मैं बता देता हूं कि इस देखो तीन तरह के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक बेसिक न्यूट्रल और एम्फोटेरिक तो हमने यू नो एम्फोटेरिक हमने देख लिया ठीक है ना अब हम न्यूट्रल देखते हैं आइए न्यूट्रल देखते हैं तो बेटा नो को नाशुआ दिस इज नो दिस इज नाश एंड दिस इज हुआ पूरे दुनिया जहान में केवल यही ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, और पूरी दुनिया जहान में केवल यही ऑक्साइड एम्फोटेरिक है डायरेक्टली पूछा गया है कि ऑक्साइड कौन सा और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है चलिए नेक्स्ट एम्फोटेरिक और न्यूट्रल हो गया नेक्स्ट और एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आपके सामने ये रहा सर अगर मैं से देखूं तो ये देखिएगा आपके सामने आ गया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा सो so, ये एसेविक नेचर भी बता दिया बेसिक नेचर टॉप से बॉटम बढ़ेगा एंड सो so सब बता दिया मैंने Next. एसिडिक नेचर बढ़ता है जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है इलेक्ट्रोनिविटी नहीं है तीन है दो पांच हो गया तो जैसे 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 नीचे जाओगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ रहा है एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ रहा है एसिडिक नेचर बढ़ रहा है <laughs> ठीक है ना ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ रहा है आपके सामने एसिडिक नेचर बढ़ रहा है दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर पीरियोडिक टेबल अब हम करने वाले हैं यहां पे कुछ अगले दस मिनट में पीवाई क्यूज करने वाले हैं बीस सवाल के रेडी क्यों दस मिनट में मैं बोल रहा हूं देखिएगा क्यों दस मिनट में मैं बोल रहा हूं देखिए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट का अभी लिखवाया था कि यार हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले पड़ोसी से ज्यादा हो जाते हैं सेकंड पीरियड वालों के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड पड़ोसी से ज्यादा हो जाता है पड़ोसी से ज्यादा यहां पर ज्यादा यहां पर मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको दिख रहा है एलिमेंट किस... किस ये ग्रुप एटीन में जाता है सबसे लास्ट एलिमेंट एक सौ अठारह है वो ग्रुप एटीन में जाता है एक सौ सत्रह कहा जाएगा सत्रह ग्रुप में एक सौ सोलह जाएगा सोलह ग्रुप में

ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों होता है एकमात्र रीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने का वो है कि एनर्जी लेवल सबके सेम होते हैं दे हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल आप देख सकते हो डी ऑप्शन में दे हैव कंपेरेबल एनर्जीज इन सब की एनर्जीज कंपेरेबल लेवल्स की हैं एंड देयरफॉर मेरे दोस्तों ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 2016 में ये 2016 ओडिशा के अंदर आया था और ये बोनस क्वेश्चन था उस टाइम का कहना है कि नॉट एग्री है does not agree बेटा कौन सा कह रहा है ये does not agree करना है आपको does not agree है तो देखिएगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गलत है नाइट भाई हाफ फिल्ड है ना पड़ोसी से ज्यादा होगा गलत है सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी गलत है थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है सो ये दोनों ही आंसर सही थे बोनस हो गया था उस टाइम पे नेक्स्ट इसमें वही है कि बेटा ये जो ie1 है वो तो नेगेटिव है i सॉरी ea1 है इलेक्ट्रॉन वन या आप सीधा समझो इलेक्ट्रॉन गेन इन है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गेन इन है ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि रिपल्सन लगता है लड़ाई होती है पहली शादी में तो एनर्जी खर्च होगा दूसरी शादी में तो आपकी बैंड बच जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की बात सी ऑप्शन में कही गई है 2015 में आइए कह रहा हैं कि लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन से कौन से एलिमेंट्स का साइज सेम हो जाता है तो बेटा 5d uh, 4d और 5d वाले ज़िरकोनियम और हाफनियम 4d सीरीज और 5d सीरीज वाले बराबर हो जाते हैं नेक्स्ट एसिडिटी क्या होगा डायरेक्ट एसिडिटी क्या होगा ये वाला ऑप्शन होगा क्या सर ये जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा क्यों क्योंकि साइज बड़ा है साइज बड़ा है ओवरलैप कमजोर है साइज बड़ा है ओवरलैपिंग कमजोर कम है तो H+ रिलीज कर देगा बहुत शानदार नेक्स्ट आइए

माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और एनपी ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन इन थे अरे बताया था ना सेवेंथ पीरियड वालों ग्रुप सेवनटीन की ज्यादा होगी और सेवनटीन में भी थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होगी देन ग्रुप का नंबर होगा उसमें भी थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज में ए एनसी करना है सबसे पहले एनआईन फिर न्यूट्रल फिर केट आए ए एन सी करना है सबसे पहले सब गलत हो गया

इसका मतलब जितना पास होगा उतना ही अट्रैक्शन होगा एनर्जी निकाल एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा सेकेंड आइनेशन एनर्जी की बात की गई है टाइटेनियम क्रोमियम और मैगनीस टाइटेनियम क्रोमियम और मैंगनीस सेकेंड आइनेशन पोटेंशियल की बात की गई चलो टाइटेनियम क्या होगा ट्वेंटी टू है ना थ्री डी टू फोर एस टू वैनेडियम ट्वेंटी थ्री है थ्री डी थ्री डी थ्री फोर एस टू क्रोमियम थ्री डी फाइव फोर एस वन और ये हो जाएगा थ्री डी फाइव फोरेस्ट टू आई टू की बात कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो दोन एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये हो जाएगा बेटा आपके सामने फोरेस्ट वन हो जाएगा आपके सामने 4S1. <k primo> ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा फोरेस्ट वन ये देखो बेटा आपके सामने थ्री डी फाइव से एनर्जी निकालना मतलब क्रोमियम का सबसे ज्यादा तो देखो एक ही ऑप्शन था आंसर आगे बढ़ जाते हैं आगे की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट

चलिए नेक्स्ट हो गया ना हा मोस्ट बेसिक कौन है ऑब्बियसली जो सबसे बड़ा होगा वो मोस्ट बेसिक होगा जितना साइज बड़ा होगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा मोर द साइज मोर विल बी द बेसिक नेचर 2002 का क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्यों क्योंकि एनर्जी लेवल कंपेरेबल होते हैं एनर्जी साइज का जो डिफरें लेसर एनर्जी डिफरेंस एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है अब देख सकते कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं आयनिक रेडियाई किसके प्रोपोर्शनल होता है زد इफेक्टिव के आयनिक रेडिआई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई زد इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा आयनिक रेडिआई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयनिक रेडियस का अरे बेटा मोर द चार्ज सबसे पहले एन आयन सो मोर द चार्ज मोर द साइज उसके बाद लेसर द चार्ज मोर द साइज के आयन के लिए लेसर द चार्ज मोर द साइज के आयन के लिए कहां गए भाई लेसर द चार्ज मोर द साइज के टाइम के लिए सर ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रहा है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है वो माइनस टू से एलमियम प्लस थ्री तक सी ऑप्शन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अरे यार का करिए लेंथनाइट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आज सुबह सुबह ही बताया है नेक्स्ट कौन से ग्रुप में रखा जाएगा तो बेटा यहां पे क्या है ना ऑप्शन छूट रहा था यहां पे थ्री डी भी आएगा ठीक है ना थ्री डी थ्री भी आएगा

हो गया आपके सामने आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है सबके सेम इलेक्ट्रॉन है so और अगर आप अपने भाई बहनों को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो देखिए मैं तो आपके सामने साथ मेहनत कर ही रहा हूं और आपको अच्छा करवा के ही छोड़ूंगा लेकिन अगर आप मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं अगर आप मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि 2022 या फिर 2023 की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है ठीक है ना तो आप उसको बोल देना रिकमेंड कर देना क्योंकि आप आप मुझे जानते हो तो आप लोगों को बता सकते हो इंडिया को एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दे सकते हो एक कंटेंट, क्वालिटी टेक्नोलॉजी एवरीथिंग आप एक जगह प्रोवाइड करा सकते हो और पता है आपको इंडिया के सारे टॉप फैकल्टीज आई कैन इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल टॉप फैकल्टीज सारी कहना थोड़ा सा हो जाएगा. पे हैं, सपना होता है बच्चों को पढ़ने का है ठीक है ना तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेल कर सकते हैं आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल केयर दिया जाता है ना जिम के अंदर जाते हो तो पर्सनल ट्रेनर होता है पर्सनल कोच होता है बड़े बड़े खिलाड़ियों का पर्सनल आपके पास सचिन तेंदुलकर के पर्सनल कोच हैं सबके पर्सनल कोच होते हैं सब बड़ा चीज के लिए बड़ा अमाउंट कुछ आपको यहां पे खर्च करना होता है आइकॉनिक के लिए और वरना प्लस आपके पास है कल ही मैं देख रहा था कि आफ्टर डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद बारह महीने के लिए केवल आपको पच्चीस के लगभग ही कुछ पड़ रहा था यू you नो know? प्लस मतलब कल मैं देख रहा था आई 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 एम एम नॉट नॉट डैम डैम श्योर श्योर बट यू विल सी दिस ठीक है ना आप देख लेना आप नीचे लिंक दिया होगा प्लस और आइकॉनिक लेने का तो आप उससे ले सकते हो देखिए होता क्या है एक दो ऑप्शन होंगे आप बायोलॉजी में जो भी नजर उठा के देख लोकडमी पे है वो आपको इस बैच में मिल जाएगा फिजिक्स में जो भी नजर उठा के देख लो कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं सारे हैं यहां पे एंड दिस इज दोस्त आपके जस्ट बाद से चालू हो जाएगा तेरह सितंबर से जस्ट बाद सॉरी <laughs> आपके जस्ट बाद ये चालू हो जाएगा तेरह सितंबर से जस्ट आपकी क्लास के बाद हम सांस नहीं लेंगे हमें बेटा सांस लेंगे तब जब आपको सिलेक्शन दिला देंगे सॉरी <laughs> तो आप उनको बता सकते हो कि बाहुबली सर का बाहुबली हाइब्रिड बैच आ रहा है लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया अपने हाइब्रिड बैच में अपने हाइब्रिड बैच में मैंने चेंजेस कर दिया है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेट ऐसा पहली बार होगा कि ऐसा कुछ लेजेंडरी बैच आपको मिलेगा ऐसा पहली बार होगा कि ऐसा कुछ लेजेंडरी बैच आपको मिलेगा ठीक है वो बहुबही हाइब्रिड बैच आपको कैसे मिलेगा आइए मैं बताता हूं टॉप 1000 बच्चे भी बच्चे ही वहां पे रहेंगे टॉप 1000 बच्चे वहां पे रहेंगे सॉरी अब मेरे को ठीक रुक नहीं रहा ठीक है ना थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बैद ए सी ने कमाल कर लिया मिलते है मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद ठीक है अगले सेशन में